हरियाणा कांग्रेस के टिकटों पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। एक बार फिर हो रही है सब कमेटी की बैठक। बड़ी जानकारी, दिल्ली स्थित एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस की बैठक चल रही है। उम्मीदवारों को लेकर यहां पर फाइनल नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। मधुसूदन मिस्त्री बैठक में शामिल। राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम पर यहां पर मंथन चल रहा है। एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। हरियाणा कांग्रेस के टिकटों पर दिल्ली में मंथन। तीन सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है। अभी भी छह सीटों पर पूरी तरह से पेंच फंसा हुआ है। तो यहां पर आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के टिकटों पर मंथन चल रहा है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है मंथन के बाद। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक। बैठक में कई बड़े दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री बैठक में शामिल। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो दिल्ली स्थित एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस की ये बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में उम्मीदवारों को किया जा सकता है फाइनल। तो वही आपको बता दें कि मधुसूदन मिस्त्री बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। तो एक बार फिर हो रही है सब कमेटी की बैठक। दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। तो वही आपको बता दें कि उम्मीदवार के नामों को लेकर यहां पर बैठक चल रहा है, मंथन किया जा रहा है। मधुसूदन मिस्त्री बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कई तमाम दिग्गज भी इसमें हैं। हरियाणा कांग्रेस की टिकटों में दिल्ली में मंथन चल रहा है। तीन सीटों पर नाम का ऐलान, लेकिन अभी भी पेंच पूरी तरह से छह सीटों पर फंसा हुआ है। एक गठबंधन के अनुसार आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में एक सीट, कुरुक्षेत्र तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, एआईसीसी मुख्यालय में बैठक चल रही है, हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम को लेकर ऐलान चल रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, दिल्ली में आज कांग्रेस की बैठक हो सकती है। कांग्रेस ने पिछले दिनों एक सब कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। उसका सब कमेटी के जो सदस्य हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस को लेकर लगातार टिकटों को लेकर मंथन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और अभी तक टिकट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है। ऐसे में आज ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से सब कमेटी जो है बैठक करती हुई जो है नजर आ सकती है। और सीधे तौर पर बात करें तो नौ सीटें कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन के तहत जो है मिलती हुई नजर आई है, जिसमें से तीन सीटों पर लगभग प्रत्याशी जो है वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं। तीन सीटों की बात करें, रोहतक, सिरसा, अंबाला, ये तीन है जिनमें प्रत्याशी जो है फाइनलाइज कर लिए गए। लेकिन जो बाकी बची हुई सीटें हैं उस पर अभी भी असमंजस की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। नेताओं की दिल्ली दौड़ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। किरण चौधरी की बात की जाए, कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, कुमारी शैलजा, ये तमाम लोग जो है दिल्ली लगातार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हम सीधे तौर पर बात करें तो छह सीटों को लेकर आज दिल्ली में मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इस पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी भी जो छह सीटों पर पूरी तरह से पेंच फंसा हुआ है, सब कमेटी का गठन हो गया है, बार बार बैठक का दौर देखा जा रहा है। आखिरकार ये वजह क्या है कि बार बार बैठक का दौर चल रहा है, रणनीति चल रही है, लेकिन छह सीटों पर अभी भी नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है? देखिए, पेंच फंसा हुआ है सभी, ज्यादातर छह सीटों की बात करें, कुछ सीटें ऐसी है जहां पर खेमेबाजी जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। कुछ सीटें ऐसी है जहां पर प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश जो है कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर अगर हम सीट वाइज सीट तमाम दर्शकों को बताएं, भिवानी महेंद्रगढ़ में जो है दोनों खेमे आमने सामने देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जिसमें श्रुति चौधरी वर्सेज राव दानसिंह जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। श्रुति चौधरी की बात करें, किरण चौधरी जो है वो चाहती है कि उन्हें टिकट जो है वहां से मिलते हुए जो है नजर आए, लेकिन पिछली बार श्रुति चौधरी जो है उस एरिया से चुनाव हारती हुई जो है नजर आई थी। ऐसे में श्रुति चौधरी के साथ में एसआर के गुट है, वो भी देखने को मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात की जाए, वो सीधे तौर पर ये चाहता है कि वहां से जो है राव दानसिंह को टिकट मिलती हुई नजर आए, अहिर वोट जो है वो उस क्षेत्र में जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जातिगत समीकरणों को साधते हुए जो है राव दानसिंह का नाम जो है वहां पर प्रेफरेंस के तौर पर जो है दिया जा रहा है।
इसी तरीके से हम बात करते हैं हिसार सीट, हिसार सीट जो है हॉट सीट देखने को मिलती है, नज़र आ रही है। ज़्यादातर उम्मीदवार जो पार्टीज हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में जो उतार दिए हैं। बीजेपी की बात करें, रंजीत चौटाला है, जननायक जनता पार्टी की नैना चौटाला वहां से देखने को मिलती है, नज़र आ रही है। ऐसे में कांग्रेस वहां पर जाट नॉन जाट फैक्टर में जो है फंसी हुई जो है नज़र आ रही है। जाट चेहरा अगर देखने को मिलता नजर आएगा तो वहां पर बृजेंद्र सिंह जो है, जो कि मौजूदा सांसद थे बीजेपी से, जो कि हाल फिलहाल में कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आए हैं, उनको जो है कांग्रेस टिकट देती हुई नजर आती है। अगर बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलेगी तो उसके अलावा नॉन जाट चेहरे के तौर पर चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम जो है वो कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो है आगे किया है। तो ये दो सीटें जो है इस पर असमंजस की स्थिति है। तीसरी तरफ फरीदाबाद क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहां पर महेंद्र प्रताप वर्सेस करण दलाल जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुजर समुदाय से जो है बात करें तो वो जो है टिकट जो है बीजेपी की तरफ से दी गई है। जाट समुदाय से टिकट जो है जननायक जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। ऐसे में महेंद्र प्रताप को टिकट मिलती है या फिर करण दलाल को टिकट मिलती है, इसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर हम जो सूत्र बता रहे हैं, महेंद्र प्रताप का नाम थोड़ा आगे देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। इसी तरीके से गुरुग्राम क्षेत्र की बात करते हैं लोकसभा की, जिसमें कैप्टन अजय यादव का नाम जो है सबसे ऊपर है, लेकिन उसके अलावा भी जो है अन्य नाम वहां पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य नामों के संदर्भ में राव दान सिंह को अगर जो है भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं दी जाती है तो उनका नाम हो सकता है कि यहाँ पर जो गुरुग्राम क्षेत्र है उस पैनल में जो है ऐड करते हुए जो है नजर आए। तो ये स्थिति गुरुग्राम क्षेत्र की देखने को मिलती नजर आ रही है। इसी तरीके से हम जो रोहतक क्षेत्र है वहां पर जो है दीपेंद्र हुड्डा मैदान में है, सिरसा से कुमारी शैलजा और अंबाला से वरुण मुलाला, इन तीन सीटों पर कंसेंसस बन गया है। इसके अलावा जी स्पर्श, आज का जो ये बैठक चल रही है इससे क्या कयास लगाया जाए, उम्मीद क्या रहेगी, हल निकल पाएगा? देखिए बैठक हो सकती है, अभी बैठक चल नहीं रही है। नेता जो है AICC पहुंच रहे हैं और बैठक दोपहर बाद होने की संभावना है। दिल्ली में तमाम नेता मौजूद है, मधुसूदन मिस्त्री की बात की जाए या फिर अगर हम बात करते हैं सलमान खुर्शीद की बात की जाए जो कि कमेटी के सदस्य है, और उसके अलावा हो सकता है कि हरियाणा के भी कुछ नेता जो है वो दिल्ली पहुंचते हुए जो है नजर आए। बहुत शुक्रिया स्पर्श, में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ICC मुख्यालय में कांग्रेस की बैठक होगी, मधुसूदन मिस्त्री बैठक में शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, हरियाणा कांग्रेस के टिकटों पर मंथन किया जाएगा, उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करने के लिए 6 सीटों पर लगातार बैठक का दौर अभी भी जारी है।